तुलसी जी हमारी पूजनीय है। तुलसी जी हर घर में होती है और होना भी चाहिए। कोई भी हम पूजा करते हैं तो उसमें तुलसी जी के पत्तों की ज़रूरत होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक समय के बाद तुलसी जी का जो पौधा होता है वो सूख जाता है। ज़्यादातर ये समर में होता है जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ता है। तो फिर वैसे स्थिति में तुलसी जी के सूखे पौधे को कहाँ रखे, क्या करे, ये समझ नहीं आता। पर मैं क्या करती हूँ, इन सूखे तुलसी जी के सूखे हुए पौधे से एक सुंदर सा आर्टिफिशियल प्लांट बनाती हूँ। इससे क्या होता है कि तुलसी जी हमारे घर के अंदर होती हैं और एक डेकोर आइटम भी तैयार हो जाता है और घर भी सुंदर लगता है। तो चलिए आज ये तुलसी जी के सूखे हुए पौधे से बहुत ही सुंदर सा एक आर्टिफिशियल प्लांट बनाते हैं। ये तुलसी जी का पौधा है जो एकदम से सूख गया है, तो आज इसी का आर्टिफिशियल प्लांट बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसे क्लीन कर लेना है। और ये देखिए ऊपर में बहुत छोटा छोटा सा इस तरह से टहनी है जो कि एकदम से सूख गया है। तो ये बहुत नाजुक है, ये हल्का सा करने पर ऐसे ये टूट जा रहा है। तो आप चाहे तो इन सबको कट करके हटा लें और या आप इसे ऐसे भी रहने रख के बना सकते हैं। तो जब इसे हम कट करेंगे ना, तो इन सब जो भी कटिंग निकलेगा तो उसे इधर उधर हम डाल नहीं सकते हैं क्योंकि ये तुलसी जी का पौधा है। तो उसे हम किसी फूल वाले गमले में डाल देंगे। जो पतला सा लेस आता है ना, बहुत ही सस्ते में ये मिल जाता है, तो मैंने इसे ही लगाया है। ये देखिए बीच में से लगाया है और साइड के टहनी में भी लगाया है। तो सारे टहनियों में मैं इसे लगा दूंगी और उसके बाद फिर इस पर फ्लावर बना के लगाऊंगी। फ्लावर बनाने के लिए मैंने ये देखिए ग्लिटर पेपर लिया है, ये एकदम इजी वे में मार्केट में मिल जाता है। तो इसी का मैं फ्लावर बनाऊंगी। तो जिस कलर का आपको फ्लावर बनाना है वो कलर ले सकते हैं अपने पसंद के अकॉर्डिंग। ये देखिए मेरे पास रेड और येलो था तो मैंने लिया है और इसे इस तरह से कट किया है। तो चौड़ाई इससे ज़्यादा नहीं रखें। अगर आप थोड़ा बड़ा फ्लावर बनाना चाहते हैं तो चौड़ाई थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो इस साइज़ में हमें कट कर लेना है और उसके बाद क्या करेंगे, पतला पतला यहाँ से कट कर लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो जो कलरफुल चार्ट पेपर आता है आप उसे भी कर सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं। उसे वो सिंपल जो चार्ट पेपर होता है उसे बनाने से क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो बहुत सुंदर लगता है लेकिन कुछ टाइम बाद जब उस पर डस्ट वगैरह जम जाता है तो फिर वो उसका रंग थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, तो वो फिर ख़राब सा होने लगता है। लेकिन ग्लिटर पेपर क्या है कि आप इसे ये हमेशा ऐसे ही रहेगा और थोड़ा सा भी डस्ट अगर होगा तो आप उसे साफ़ कर दे, एकदम इजी वे में क्लीन हो जाएगा और फिर से वही साइन आ जाएगा। तो इसलिए मैंने ग्लिटर पेपर लिया है। ये देखिए इस तरह से हमें कट कर लेना है और उसके बाद क्या करेंगे, सीधे साइड से इस तरह से यहाँ ग्लू लगाएंगे और इसे रोल करते जाएंगे। ये देखिए जो साइनिंग वाला एरिया है उसे हम अंदर की ओर रखेंगे और इस तरह से इसे रोल करते जाएंगे। तो स्टार्टिंग में मैंने ग्लू से पेस्ट किया है और लास्ट में इसे पेस्ट कर देंगे। तो एकदम हमें बराबर रखना है। तो इस तरह से तैयार हो जाएगा, ये देखिए मैंने बना के रखा है। और फिर इसे क्या करेंगे, इस तरह से दबा देंगे। तो देखिए ये फ्लावर बन गया। और यहाँ पे कोई भी छोटा सा अगर मोती या स्टोन हो तो उसे लगा दें। इससे क्या होगा कि ये हमेशा ऐसे ही रहेगा और थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। अगर नहीं है तो आप इसे इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह से और भी फ्लावर बना लेते हैं।
तैयार हो गया है। ये देखिए मैंने सारे फ्लावर को इसमें लगा दिया है और ऊपर साइड में मैंने गोल्डन कलर से कलर कर दिया है और कुछ को मैंने इसी तरह से रहने दिया है। तो इस तरह से आप घर के पड़े सामानों का यूज़ करके सुंदर सा प्लांट बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्रिएशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।